इस्वा के प्रेसिडेंट एवं आला हजरत सर्जिकल एंड ट्रॉमा सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद फाजिल ने ईद उल अजहा के मौके पर सभी जनपद वासियों, प्रदेश एवं देशवासियों को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद देते हुए कहा कि आप सभी जनपद वासियों से अपील है कि प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए खुले में कुर्बानी ना करें, कुर्बानी वाले जानवर का खून नालियों में ना बहाएं और कुर्बानी होते वक्त की वीडियो ना बनाएं और ना ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी वाले जानवर की कुर्बानी के वक्त की वीडियो को स्टेटस व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी ना डालें। सभी की भावनाओं का ख्याल रखने की अपील करते हुए इस्वा प्रेसिडेंट एवं आला हजरत सर्जिकल एंड ट्रॉमा सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद फाजिल ने कहा। मैं डॉक्टर मोहम्मद फाजिल, प्रेसिडेंट इस्वा एंड डायरेक्टर आला हजरत सर्जिकल एंड ट्रॉमा सेंटर की तरफ से आप सभी बरेली वासी, प्रदेश वासी और देश वासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देता हूँ। दोस्तों, आज सुन्नत इब्राहिम नवाने का दिन है। हम सबको जानवरों की कुर्बानी करनी है। मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है, उन जानवरों की कुर्बानी करें जिसकी हमारी सरकार इजाज़त देती है, और कुर्बानी करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि कुर्बानी खुले में ना करें, और कुर्बानी के जो खून बहता है और जो हाथों से जो गंदगी निकलती है उस सब का सही तरीके से डिस्पोज करें, और कुर्बानी का जो गोश्त होता है उसको जो उसके मुस्तहिक लोग हैं उनको दें, और साथ में इसका कोई भी वीडियो ना बनाएं कुर्बानी करते वक्त, ये गलत चीज़ है। इसके साथ एक बार फिर आप सभी लोगों को ईद उल अजहा की दिली तौर पर मुबारकबाद देता हूँ।